हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव पहले से कुछ अलग नजर आ रहा है। हमेशा चुनाव में कार्यकर्ताओं और नेताओं में झड़प देखने को मिलती है, लेकिन इस बार झड़प के साथ साथ चुनाव कुर्ता फाड़ हो गया है। दरअसल रोहतक जिले के महम विधानसभा सीट से हरियाणा जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक बलराज कुंडू पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हंगामे और धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए। खबर तो कुंडू के निजी सचिव के घायल होने की भी है। वहीं जब बवाल बढ़ा तो गांव वालों ने बीच बचाव किया। घटना रोहतक के महम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दांगी के गांव मदीना के बूथ नंबर 134 की है, जहां यह हंगामा देखने को मिला। बलराज कुंडू ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि वे मदीना के बूथ नंबर 134 पर निरीक्षण करने के लिए गए थे। वहां कांग्रेस उम्मीदवार बलराम दांगी के पिता आनंद दांगी उम्मीदवार अपने 20 से 25 समर्थकों को लेकर जबरदस्ती बूथ में घुसाए। उन लोगों ने हमारे साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। धक्का मुक्की में उनका कुर्ता फट गया। उनके पीए के साथ मारपीट की गई। पीए के मुंह पर चोटें आई है, कपड़े फटे हुए हैं। मेरी सबसे अपील है कि शांति बनाए रखें। आनंद सिंह दांगी इतना बौखला चुका है कि वहाँ खुद 134 नंबर बूथ पे बस स्टैंड पे जो मदीना में मदीना के अंदर वो खुद 20-25 लोगों के मैं वहाँ देखने गया था, ठीक चल रहा नहीं है। और मेरे खुद आनंद सिंह दांगी ने जो ना चिपट के ये मेरे कपड़े फाड़े हैं, अरे धक्के मरवाए हैं। ये मेरा पीए है, इसको इतना मारपीट की है, देखो इसका मुंह सारा ये उपड़ा हुआ। इसमें ये हालात है उसकी हार की बौखलाहट। आज वो फिर एक महम कांड कराने की सोच रखता है। मेरी अपने पूरे हलके के लोगों से सबसे अपील है कि आप शांति बनाए रखें। कुंडू ने पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी पर हमला करने के आरोप लगाते हुए डीसी अजय कुमार और बहु अकबरपुर थाने में शिकायत दर्ज की है। हालांकि आनंद दांगी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि बलराज कुंडू ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं। आनंद सिंह दांगी ने कहा कि मैं मदीना गांव में बूथ में निरीक्षण करने के लिए गया था। वहां मैंने देखा कि हजपा के उम्मीदवार बलराज कुंडू ईवीएम मशीन के पास खड़े हैं। मैंने इस पर आपत्ति जताते हुए उन्हें वहां से हटने को कहा, जिसके बाद बलराज कुंडू ने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके लिए मैं वहां से चला गया। जब तक मैं बूथ पर था तब तक कुंडू के कोई कपड़े नहीं फटे थे और ना ही उनके पीए के साथ मारपीट हुई थी। कुंडू ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं, ये उनका प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है, ये कुछ एक बात पे मतलब की बात आ रही है। कोई नुका बोले मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये खुद ही अपने आप कपड़े फाड़ कर वो करने लग रहे हैं। इतना शांतिपूर्ण ढंग से सारा मैं मलके में बहुत बढ़िया इलेक्शन चलने लग रहा है। इनकी यही ना अफवाहों पे ध्यान ना दें और इस त्योहार को बहुत बढ़िया तरीके से प्यार प्रेम से हाथ जोड़कर हम इस त्योहार को मनाएं और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करो और बहुत बढ़िया कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में अपने उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का अपनी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि जाट बहुल सीट महम में इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी पर दांव खेला है। बलराम दांगी सबसे युवा चेहरा है। वहीं बीजेपी ने इस बार जाट चेहरे और खिलाड़ी दीपक हुड्डा को मैदान में उतारा है। दीपक हुड्डा भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। दीपक हुड्डा को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के बागी शमशेर खरखड़ा की पत्नी राधा अहलावत चुनाव लड़ रही हैं। उनको जितने वोट मिलेंगे उतना फायदा कांग्रेस को होगा। राधा खुद को पंचायती उम्मीदवार बता रही हैं। वहीं बीजेपी के बागी बलराज कुंडू निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। वे इस निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना ना भूलें। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।